कहाँ बुद्ध प्रभु तुस हमारे वरन सक ब्रह्मान जोत हरे हम न सकत कर सिफत तुम्हारे तुम कथा सुधारे कहाँ लगा यह कीट बखाने महमा तोहर तुही प्रभ जन कहाँ लगा यह कीट बखाने महमा तोहर तुही प्रभ जन आवो संत मिलो मेरे पाहे मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोहित है कल जग के बट गुर शब्द तरो मेरे मन हर गुण हर चरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो सलोक महला पंजवा दीम दया ना चेतो मुह रलंदड़ो खाक जुगो जुग अटल दसा पाशन दी आत्मिक दूत हाजरा हजूर तहत चबर छत्र दे मालिक बाणी के बोहित तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत जी बड़भागे हो सतगुरां दी पावन गोद अंदर बैठ करके सतगुरु महाराज जी के पावन पवित्र अमृतमय वचना सरवण कर रहे हो शहीदों के सरताज शांति दे पुंज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हों के पावन मुखार बिंद तो उच्चारण किए गए मुख वाक नूं आप जी ने सरवण किया। गुरदेव पातशाह जी महाराज जी बख्शिश करते हैं हे संत जनों उस संभाले परमेश्वर वाहिगुरु जी नाम के द्वारा संसार के विचों यह संसार रूपी सागर तो तरिया जा सकता है उठद्या बहद्या हरेक किरत विहार करद्या हो उस संभाले परमेश्वर वाहिगुरु जी जेकर सिर्फ सलाहना की जाए तो भाई संसार के विचों पार उतारा हो सकता है। सो गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं नानक सतगुर भेटिया पूरी होवै जुगत हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया विचे होवै मुगत भाई संसार दे विच विचरदिया हुआ अपने कारोबार करदिया हुआ अपना किरत विहार करदिया हुआ परिवार गृहस्थ दे विच रह के ते गृहस्थ धर्म की भी पालना करदिया हुआ भाई इस संभाया दे विच रह के वो संभालवे परमेश्वर वाहिगुरु की बंदगी करदिया हुआ इस जीव का पार उतारा हो सकता है।
सतगुरु अर्जुन देव पातशाह जी महाराज जी बख्शिश करते हैं जो लड़ी बार कथा विचार आरंभ है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की बाणी की। भाई जिन्होंने संसार के जमदे जी उस मालू परमेश्वर वाहगुरु ने चेत्या नहीं ते मरण तो बाद यह शरीर जड़ा है ये खाक दे विच रल जाने जिस शरीर का जीव संसार दे विच बाण हंकार कर दे ते जिस देहा दा बाण कर दिया है वह संभाले परमेश्वर वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल जुड़दा नहीं कदे पाई साध संगत विच आके बैठदा नहीं उस संभाले परमेश्वर वाहगुरु के चरणों के नाल अपने मन चेतन जोड़ता नहीं तो गुरुदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं संसार के पाई इत पात जड़ी रुलती है हर नाम न सिमरै साध संग तै तन उडै के जिन कीती तैसे न जानई नानक फिट अलूनी दे सो भाई जेकर उस संभाले परमेश्वर वाहगुरु ने इस देहा दे द्वारा जीव चेते करदा नहीं परमेश्वर दी सिफ सलाउणा दे नाल जुड़दा नहीं तो पातशाह जी कहिंदे हन कि भाई कि शरीर दा जड़ा है कोई लाभ नहीं मरण तो बाद जड़ा है इसने खाक दे विच मिल जाने मिट्टे दे विच मिल जाने सो भाई जमदे जी उस संभाले परमेश्वर वाहगुरु की सिफ सलाउणा करके इस मनुखा जीवन जड़ा है वह सफला किया जाए तो गुरुदेव पातशाह जी कहते हैं जिन्हां ते सतगुरों ने दया कृपा की है भाई उन्होंने बन की जड़ी इच्छा बन की लोचा जड़ी पूरी कर दी अपने दर तो नाम का खजाना बख्शिश करके उन्होंने जिन्होंने भाई तरस करके सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने गुरमत का मार्ग संत जनों के मार्ग के उपर तोरना किया है परमेश्वर वाहगुरु के मार्ग के उपर तोरना किया है विरले दान हैं इस संसार दे विच भाई जड़े परमेश्वर वाहगुरु के मार्ग के उपर चलते हैं संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोविड भागी पाए कोट जन्म के किल विख नासे हर चरणी चित लाए ते फिर करोड़ा ही जन्मां दे जड़े पाप कर्म हन उन्हां दा नाश हो जांदे परमेश्वर वाहिगुरु दे मार्ग दे उपर चलन दे नाल ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज भाई दे बख्शिश करते हैं कि करोड़ों के विचों के विरले जिन्हों के हिरडे दंदर मालो परमेश्वर वाहगुरु वसया हुए कोटन मैं नानक को नारायण जे चीत ते भाई फिर वह परवकार के वास्ते लोकाई दे भले दे वास्ते भाई अपना तो उन्हां दा भला हुंदा है निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु दे चरणां दे नाल जुड़ करके लोकाई दे भले दे वास्ते फिर वह जिहड़ा है सोचदे हन संसार दे विच ते उन्हां दा आया संसार दे विच जिहड़ा सफल है परमेश्वर वाहिगुरु दे प्यारां दा उह पाई जन्म मरण तो रहत हन लोकाई नूं तारन दे वास्ते संसार दे विच उन्हां दा आउणा है जन्म मरण दोहु मैं नाही जन पर उपकारी आई जी दान दे भगती लाई हर सों लैन मिलाई तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज भाई जिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा है वह सारे संसार भर के नानक नाम लेवा सिख संगत उदशाह शरदा भावना के नाल मना
ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤੀ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਰਕ ਬਣਨਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਪੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਸਭ ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਭਾਈ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੇਤਾ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋਂ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸਤਰੀ
पातशाह जी कहते हैं पूर्वले संजोगों का करके भाई इन्हों का तेरे नाल मेल मिलाप है, परंतु अंतले समय के नाल इन्हों के विचों किसी ने भी तेरी रखिया सहायता करनी नहीं। मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत अर पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाय। अंतले समय के नाल पातशाह जी कहते हैं किसी ने तेरी सहायता करनी नहीं। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जी कहते हैं जो लोक परलोक दे विच तेरी रखिया सहायता करन वाले भाई परमेश्वर वाहिगुरु का नाम जिहड़ा सारे सुखां दा खजाने कहते हैं कि नाम दे नाल जुड़ना कर, जिस नाम दे सदका संसार दे विचों पापी अपराधी जीव भी तर गए सो पातशाह जी बख्शिश करते हैं। हर को नाम सदा सुखदाए, हर को नाम सदा सुखदाए, 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 जाको सिमर अजामल उदर्यो, जाको सिमर अजामल उदर्यो, जाको सिमर अजामल उदर्यो, जाको सुमिर रामल उदरयो, गन का हूँ गत पाए, हर को नाम सदा सुखदाए, नाम सदा सुखदाए, हर को नाम सदा सुखदाए, नाम सदा सुखदाए, हर को नाम सदा सुखदाए, नाम सदा सुखदाए, हर को नाम सदा सुखदाए। जिथे सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने भाई संसार दे जीवां नूं जिहड़ा है नाम दा उपदेश दिता है कि गुरु प्यारू नाम तो वड्डी संसार दे विच कोई दात नहीं, नाम तो वड्डी संसार दे विच कोई शक्ति नहीं। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जी नूं जिथे भाई टाके बंगाल असाम आदि के इलाके दे विच जाके सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु के नाम के नाल जीवां नूं जोड़ना कीते, भावें गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने भी अपने मुबारक चरण जिहड़े हन सारे संसार दे विच पाए ते उन्हां इलाकियां दे विच भी जाणा कीता जिथे भाई लोग जंतरां मंत्रां दे विच विश्वास रखण वाले सन, जद टोणियां दे विच विच विश्वास रखण वाले सन, ते उस इलाके दे विच जा के भी गुरु पातशाह जी महाराज जी ने जीवां नूं जिहड़ा है भाई सही मार्ग जिहड़ा है वह दसना कीता कि भाई इन्हां कर्मां दे विच ला के जीव जिहड़ा है आप भी संसार दे चे खजल खवार हुंदा है ते लोकाई ने भी करदा है, भाई अपना भी जीवन जिहड़ा है वह सफला हो सकदा नहीं, ते भाई लोकां नूं भी जिहड़ा है वह वहमां परमां दे विच जीव वह पाउंदे हन जिहड़े भाई जंतरां मंत्रां दे विच जादे टोणियां दे विच विश्वास रखण वाले हन, तागे तवीतां दे विच जिहड़े विश्वास रखण वाले हन। ते गुरु प्यारे साध संगत जी
गुरुदेव पातशाह जी महाराज जी तो कहते हैं भाई जड़े बाले परमेश्वर वाहगुरु की बंदगी करने वाले हैं उन्होंने उपर जंत्र मंत्र भाई जादू टोणिया का कहते हैं कि कोई असर होंदा नहीं। राम राम जो जन जपै अन दिन सद जागे तंत मंत नह जो हई तित चाख न लागे। गुरु प्यारो सतगुरों के चरणों के विच तां राजे महाराजे ने भी बेनती करके कि सतगुरु पातशाह जी साढ़े नाल कृपा करके चलना करो असं मुहिम ते चले हाँ ते जिस पासे दे वल असाम बगाल दे वल जड़ा है वह जंत्र मंत्रां दा जादू टोणियां दा बड़ा जोर है कि तुहाडे चरणों का ओट आसरा लेके ते जड़ा है असी जंग दे विच फतेह प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु प्यारी सतसंग जी गुरु की दया कृपा दे नाल फिर उन्होंने जड़ा है जित दी प्राप्ति की सतगुरां ने हाथ दे करके ते उन्होंने जड़ा है वह जंत्र मंत्रां दे प्रभाव तो बचाउणा कीता है। ते जिथे सारे संसार पर दे विच जाके सच्चे नाम दा जड़ा सतगुरां ने उपदेश दिता है ते नाल ही भाई लोकाई नूं जड़ा समझाउणा कीता कि भाई किसे तो डरना नहीं ना किसे नूं डराउणा। गुरु प्यारू उस समय दे नाल सतगुरु पातशाह जी महाराज गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी का प्रकाश जड़ा पटने की धरती ते होया कुछ समा बतीत होने तो बाद जिथे गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी बाल गोबिंद राय के सरूप के विच अनेक कौतक जड़े हैं वह पटने की धरती ते कीते ते कुछ समा ठहर करके ते फिर श्री आनंदपुर की नगरी के सतगुरु पातशाह जी महाराज जिथे परिवार के समेत आके टिकना किया। तो जदों सतगुरों ने श्री आनंदपुर की धरती से आके डेरे लाए तो उस समय संसार के औरंगजेब बादशाह जिहड़ा जीवां के उपर बड़ा तशद्दुद कर रहा सी भाई साहब नूं जोरा जबरी के नाल वह मुसलमान बना रहा है कि भाई इस्लाम के दायरे के विच आओ ते जड़ा भी अल्लाह अल्लाह जपदा नहीं उसका सिर जड़ा कलम कर दिता जाता सी जां भाई जड़ा मन जाता उसनों जड़ा है वह इस्लाम के दायरे के विच लै आउंदे जड़ा इन्हां दी गल मन लैंदा ते जड़ा मनदा नहीं उसनों मौत दे घाट उतार दिता जाता है। गुरु प्यारे सतसंग जी कश्मीर इलाके दे विच जिथे बहुत सारे विद्वान पंडित रहिंदे सन ते जिथे विद्वान पंडतां दा गढ़ सी जदों सारे संसार पर दे विच अत्याचार जिहड़ा औरंगजेब कर रिहा सी ते कश्मीरी पंडतां ने मिल करके जिथे भाई अपने देवी देवतियां नूं वी त्याए इतिहास कहिंदा कि उन्होंने अपने सब देवी देवते जदों त्याए ते फिर सब ने मिल करके विचार किए कि साड़ी रखिया सहायता इस समय दे नाल कौन कर सकदा है। ते गुरु प्यारे सतसंग जी सब का ख्याल जड़ा है वह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जी दे वल गया कि गुरु नानक साहब जी महाराज जी दे गद्दी दे जड़े वारस हैं नवें जामे दे विच ते श्री आनंदपुर जी धरती ते विराजमान हैं उन्हां दी शरण दे विच जाके ते बेनती की जावे वह साड़ी रखिया सहायता कर सकते हैं क्योंकि परोपकारी बिरती वाले हैं। सब कश्मीरी पंडतां ने सलाह करके भाई जदों किसी भी तरह के नाल इन्हां दा चारा नहीं चलिया तो श्री आनंदपुर की धरती ते आके ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जी के चरणों में आके नमस्कार कीतियां ते नाल ही आके बेनती की सतगुरु पातशाह जी साड़ी रखिया सहायता करो सानू जड़ा है जोरा जबली दे नाल साडा धर्म जड़ा है तब्दील करवाया जा रहे ते गुरुदेव पातशाह जी महाराज जी के चरणों च बेनती करन लगे
कि साढ़े जनेऊ नू खतरा है। सतगुरु पातशाह जी दया कृपा करके सानू साड़ी रख्या करो। तो सतगुरु पातशाह जी महाराज जी इतिहास कहिंदा कि उस समय कुछ समा सतगुरों ने मन तारण कर ली, चुप करके सोचन लगे ते विचार करके गुरुदेव पातशाह जी महाराज जी ने कुछ समय बाद वचन किए, कहन लगे कि भाई इस वास्ते जड़ा कोई महान पुरख बलिदान देवे, अपनी कुरबानी देवे, ते फिर जड़ा इस जबर जुल्म नूं ठल पै सकदी है, ये अत्याचार जड़ा संसार दे विचों तां रोक सकदा है। कोई महान बंदगी वाला जड़ा सुर बिर जोधा अपनी कुरबानी देवे। ते गुरु प्यारे सतसंग जो इतिहास कहिंदा कि बाल गोविंद राज जी दे सरूप दे विच तां गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी भी पास खड़े सन। ते करीब कहिंदे हन कि कोई 8-9 साल की उम्र है जदों पिता गुरु महाराज जी दे वचनां नूं सुनिया, ते उस समय कहन लगे सतगुरु पातशाह जी तुहाडे तो वड्डे संसार दे विच महान पुरख किहड़े हो सकदे हन। सतगुरु पातशाह जी तुहाडी शरण दे विच आए हन, ते जिहड़ा शरण दे विच आ जावे उस दी फरियाद नूं भी सुनना चाहीदा, ते उहनां दी सहायता भी करनी चाहीदी। ते गुरदेव पातशाह जी महाराज कहिंदे हन कि गुरु परमेश्वर वाहिगुरू दा सुभाव तां बख्शिंदा वाले, भाई पापी अपराधे भी आ जावे ते उहनां नूं भी अपनी शरण देंदे हन। ते कोई लोड़वंद बेसहारा आसरा ताके गुरु दी शरण दे विच आउंदा, ते गुरदेव पातशाह जी महाराज उस नूं अपने चरणों का आसरा देंदे हन। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संधा ते सतगुरु पातशाह जी तुहाडी शरण दे विच आए हन, इन्हां दी रख्या सहायता करो। ते गुरदेव पातशाह जी महाराज जी ने जिथे पाई अपने परिवार नूं जिहड़ा है श्री आनंदपुर की धरती से छड़ करके, ते आप जिहड़ा है कुरबानी देने दे वास्ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जी ने दिल्ली के वल नूं कूच किया। ते गुरु प्यारे सतसंग जी पिछे बाल गोविंद राज जी जिन्हां दी पालना पोषणा की जिम्मेवारी वह सतगुरु पातशाह जी महाराज जी दे बामा जी कृपाल चंद जी जिन्हां नूं यह सारी जिम्मेवारी जिहड़ी है दित्ती गई कि तुसीं जिहड़ा है परिवार का ख्याल रखना, ते साढ़े जाण तो बाद जेकर भाई सानूं कुरबानी भी देनी पई ते फिर जिहड़ा है तुसीं इहनां दा ख्याल रखना। सो समय समय दे नाल जिथे सतगुरु पातशाह जी महाराज जी दे मामा जी होर गुरु के प्यारे सिखां ने जिथे गुरु परिवार का जिहड़ा ख्याल रखिया श्री आनंदपुर की धरती दे, ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जी ने जिथे कश्मीरी पंडतां की फरियाद नूं सरवण करके, ते गुरु प्यारे सतसंग जो जिन्हां ने सानू भी जिहड़ा है जगत दे विच समझाया कि यह शरीर जिहड़ा है भाई नासमाने धर्म दे लेखे दे विच जिहड़ा है ये लग जावे, ते भाई ये शरीर दा पला है लोकाई दे पले दे वास्ते कहिंदे हन ये कुरबान हो जावे ते सफल है। ते गुरु प्यारे सतसंग जो ये नासमान शरीर दा मान हंकार त्यागण दे वास्ते पातशाह जी ने सानू जिहड़ा है गुरबाणी दे अंदर बख्शिश कीती है। तां श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज इत्थे बख्शिश कर रहे हन, भाई जीवन दयाना चेत्यो मोहा रलंदड़ो खाक, जिन्हां ने ज्यौंदे जे संसार दे विच मालक नूं चेत्या नहीं, मरण तो बाद कहिंदे हन कि भाई ये शरीर खाक दे विच मिट्टी दे विच मिल जावेगा। नानक दुनिया संग गुजारिया साकत मुड़ न पाक। साकत पुरख जड़ा है कहिंदे हन कि दुनिया दे नाल मिल करके
ते भाई अपना समा जड़ा है बेकारां दे विच अजाई ही संसार दे विच गवारे पातशाह जी कहिंदे हन ये मूर्ख जीव है भाई अपवित्र है। महला पंजवां जीवदियां हर चेतिया मरंदियां हर रंग। धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जी कहिंदे हन भाई जिन्हां ने जांदे दे भी उस मालिक नूं चेते कीता ते कहिंदे हन कि मरण तक उस बालू परमेश्वर वाहिगुरु दे नाम रंग दे विच जिन्हां ने अपने मन अपने तन नूं रंगिया है। जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग। भाई अपना जन्म पदार्थ जन्म रूपी जड़ा ये वस्तु परमेश्वर वाहिगुरु ने बख्शिश की है। कहिंदे हन कि अपना जन्म तो सफल किया नाल कहिंदे हन कि अपने संगी साथियों भी संसार दे विच उतार ले भाई जिन्हां नूं साध संगत दा दी प्राप्ति हो गई जिन्हां नूं गुरु दा संग मिल गया। पौड़ी आदि जुगादी आप रखण वालिया। ओ माल परमेश्वर वाहिगुरु भाई अपने प्यारें दी आदि काल तो रखिया सहायता करदा आ रहे ते सदैव काल तक कहिंदे हन संसार दे विच अपने प्यारे सेवकां दी रख्या करदा रहेगा। सच नाम करतार सच पसारिया। उस सच्चे परमेश्वर वाहिगुरु दा जो सब सृष्टि दा करता है ते कहिंदे हन जिस दे नाम दा ही संसार दे विच तेज प्रताप है ते सदा लई रहण वाले ते भाई कहिंदे हन सारे संसार दे विच जिस मालिक दे नाम दा तेज प्रताप पसरिया है। ऊणा कहे न होए कटे कट सारिया। किसे भी जगह ते कहिंदे हन कि मालिक परमेश्वर वाहिगुरु भाई ऊणा नहीं पाव कि अजिहे कोई जगह नहीं जिथे उस मालिक दा वासा ना होवे। काट काट दे अंदर कण कण दे अंदर भाई सब जगह ते वसिया है। मेहरबान समरथ आपे ही कालिया है। ओ बाल परमेश्वर वाहिगुरु भाई सदा ही मेहरबान सर्ब समरथ है ते कहिंदे हन आप ही सब प्रकार दी कालना कालन वाला है। जिन मन बुठा आप से सदा सुखलिया। ते जिन्हां दे हिरडे दंदर बाल परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा वसिया होए भाई ओ संसार दे विच सदैव काल तक सुखी हन। आपे रचन रचाए आपे ही कालिया। भाई आप ही बाल परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा ओ संसार दे विच आपे रचन रचाए आपे ही पालिया आप संसार दे विच सब जीवां दी रचना करन वाले सब जीवां नूं पैदा करन वाले ते भाई आप ही सब नूं रोजी रोटी संसार दे विच दे रहा है। सब कुछ आपे आप बेअंत अपारिया। ते आप ही बाल परमेश्वर वाहिगुरु सब कुछ कहिंदे हन कि आप ही है ते बेअंत है। जिस बाल परमेश्वर वाहिगुरु का पारा बार नहीं पाया जा सकता जिस ते कहिंदे हन भाई कोई हद सीमा नहीं। गुरपुरे की टेक नानक संभालिया। ते भाई कहिंदे हन पूरे सतगुरु महाराज जी दे चरणां दा ओट आसरा लै करके ते उस बाल परमेश्वर वाहिगुरु नूं अपने हिरडे दे अंदर याद कर उस बाल परमेश्वर वाहिगुरु दे चरणां दे नाल जुड़ना कर भाई जिहड़ा सदा ही मेहरबान ते जिहड़ा भी उस मालिक दे शरण तकदा है परमेश्वर वाहिगुरु उस दी रखिया सहायता करन वाले ते गुरदेव पातशाह जी कहिंदे हन मुसीबत दे समें दे नाल औखे समें दे विच वी भाई अपने प्यारे दी रखिया सहायता करन वाले ते गुरु प्यारू
संसार दे विच कहिंदे हन कि जिहड़ा विपता दे समय दे विच वी जीवां दी रखिआ सहायता करन वाले औखा समा अपने प्यारे नूं जिहड़ा है उह देखण दिंदा नहीं, औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाली हाथ दे राखी कर अपनी सास सास प्रित पाली ते पाई स्वास स्वास अपने प्यारे दी संसार दे विच हथ दे करके जिथे रखिआ कर दे उत्थे पालना करन वाले मेहरबान बख्शिंदे मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान सब जीवां नूं दातां देण वाले सब जीवां दी पालना करन वाले पातशाह जी कहिंदे हन कि पाई उस मालक दे चरणां दे नाल जुड़ के ते उस मालक दा संसार दे विच शुकराना करिआ कर जिसने तैनू संसार दे विच सारे सुख बख्श कीते हन। यह सुंदर शरीर जिहड़ा है रोगां तों रहत तैनू बख्श कीता है ते भाई जदों तक कहिंदे हन कि तेरे शरीर दे उपर तंदुरुस्ती है मालक दा शुकराना करिआ कर जदों तक कहिंदे हन इह शरीर दे बटेपा आउंदा नहीं भाई उस मालक दा धन्नवाद करिआ कर जदों तक कहिंदे हन कि जमा ने तनु आके अजे ग्रसिया नहीं जब लग रोग जरा नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल पई ने बानी पाजले रे मन सारंग पानी भाई बालक ने तनु बल बख्शिया संगत विच आके तू चौंकड़ा ला के गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ के गुरु की बाणी नूं पढ़ सकदे सरवण कर सकदे ते भाई गुरु दी सेवा करके यह मनुखा जीवन जिहड़ा है वह सफला बना सकदे। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन सब संगतां दे सिर ते मेहर प्रयात रखण जी दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन की दात बस के निहाल करन होईआं भुल्लां चुकां लई माफ़ी बख्शने जी गुरु अते गुरु के संगत बख्शन योग है बख्श लैणा जी आओ फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभंग गुर प्रसाद। वाह हे गुरु वाह हे गुरु वाह हे गुरु वाह हे गुरु वाह हे गुरु। वाहेगुरु जी का सतनाम 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 जी
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी जपो सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी संत जना मिल हर जस गायो संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो कोट जन्म के दुख गवायो जो चाहत सोई मन पायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवायो सर्व सुख हर नाम बढ़ाए सर्व सुख हर नाम बढ़ाए गौर पर साध नानक मत पाए गौर पर साध नानक मत पाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।